Hi friends, welcome to our channel. After a very long time, welcome to our channel. Welcome to Electrical Academy. I am Sripad Naik. देखो बहुत सारे दिन हो गए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया चैनल में ड्यू टू सर्टन रीजंस, लेकिन अब से मैं एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ इस महीने में. मैं एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ इस मंथ में, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हम करने वाले, पावर सिस्टम का कवर करने वाले. ठीक है, तो अभी से एक एक वीडियो आती रहेंगी. जब तक हमारा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स आपको क्लियर नहीं हो जाते, तब तक एक एक वीडियो आती रहेगी. उसका बेसिक हम पहले देखने वाले. सो व्हाट इज़ बैलेंस सिस्टम, अनबैलेंस सिस्टम, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. यही बेसिक है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के लिए. और उसके बाद के ऑपरेटर क्या होता है वो देखेंगे, और उसके बाद सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका डेरिवेशन लेंगे, और अगर टाइम मिला तो न्यूमेरिकल भी मैं लेने वाला हूँ. ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, उतना बेसिक जो आपको चाहिए वो सारा बेसिक आपको इस वीडियोज़ में मिल जाएगा. ठीक है, तो बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो ये जो फर्स्ट वीडियो है पावर सिस्टम एनालिसिस के, फॉल्ट एनालिसिस में जो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, तो उसके बेसिक का फर्स्ट ये वीडियो है, व्हाट इज बैलेंस सिस्टम एंड अनबैलेंस सिस्टम. ठीक है, तो देखो बैलेंस सिस्टम क्या होती है, अच्छे से सुनो. बैलेंस सिस्टम इज द सिस्टम वेयर ऑल द सिक्वेंस कंपोनेंट्स, ऑल द कंपोनेंट्स आर exactly 120 degree phase displaced with respect to each other, means all the phases are exactly 120 degree with respect to each other, and magnitude, their magnitude are also equal, means all the components magnitude are equal, and all the components, all the phases are 120 degree phase displaced with respect to each other. So current flowing through this neutral is zero, current flowing through this neutral is zero, as all the components are 120 degree phase displaced with respect to each other. So this is balance system. So from balance system we can conclude that vector IR is equals to vector IY, which is equals to vector IB. हम conclude कर सकते हैं, क्योंकि देखो magnitude भी same है और phase displacement भी same है दोनों. मतलब IR IY में phase displacement same है, IY IB, IB IR, तीनों में, तीनों फेजेस में जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, 120 डिग्री की फेज डिस्प्लेसमेंट है. तीनों फेजेस में 120 की फेज डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई देगी, और तीनों की जो मैग्नीट्यूड से सारे कंपोनेंट्स की वो सेम है. सो फर्स्ट एनालिसिस हमारा ये हो गया, और सेकंड एनालिसिस ड्यू टू दिस बैलेंसिंग इन बैलेंस सिस्टम में जो सच अ टाइप ऑफ बैलेंसिंग आपको देखने को मिल रही है, उसकी वजह से करंट फ्लोइंग थ्रू द न्यूट्रल इज जीरो. न्यूट्रल में से कोई करंट यहाँ फ्लो नहीं हुआ है. ठीक है, तो बैलेंस सिस्टम में तीनों कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड सेम रहती है, फेज डिस्प्लेसमेंट सेम रहती है, और करंट फ्लोइंग थ्रू द न्यूट्रल इज जीरो. तो ये है थ्री फेज बैलेंस सिस्टम. अभी थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम के लिए देखते. देखो बैलेंस सिस्टम में मैंने आई आर आई वाई आर आई बी ये तीनों कंपोनेंट्स डिनोट किए, तो यहाँ आप वी आर वी वाई वी बी मतलब वोल्टेजेस की भाषा में भी आप लिख सकते. मैंने करंट की भाषा में लिखा, आप वोल्टेज की भाषा में भी लिख सकते हैं. जो भी कंपोनेंट्स हैं हमारे, करंट कंपोनेंट हो या वोल्टेज कंपोनेंट हो, तो दोनों मतलब ये फेजर डायग्राम जो मैंने निकाली है आई आर आई वाई आई बी, तो यहाँ आप वी आर वी वाई वी बी भी लिख सकते हैं बैलेंस सिस्टम में. ठीक है, अनबैलेंस सिस्टम में भी वैसा ही, मतलब जो भी कंपोनेंट्स है उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल, फेज डिस्प्लेसमेंट इक्वल, ये करंट के लिए भी होनी चाहिए और वोल्टेजेस के लिए भी होनी चाहिए. तो यहाँ मैंने करंट की भाषा में लिखा, तो यहाँ भी मैं करंट की भाषा में ही लिखने वाला हूँ. सो अनबैलेंस सिस्टम क्या है, देखो ध्यान से सुनो. अनबैलेंस सिस्टम इज द सिस्टम वेयर करंट फ्लोइंग थ्रू द न्यूट्रल इज नॉट इक्वल टू जीरो, एज ऑल द कंपोनेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली 120 डिग्री फेज डिस्प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर, फेज डिस्प्लेसमेंट इज नॉट सेम हियर, एंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑल्सो नॉट सेम. मैग्नीट्यूड्स एंड फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, फेज डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड, ऑल द कंपोनेंट्स phase displacement and magnitude not same. So this system is called as unbalanced system. So sufficient quantity of neutral current IN, neutral current IN is flowing through the neutral of the system. Neutral current IN
यहाँ सिस्टम से फ्लो होने वाला है, ठीक है। सो ये न्यूट्रल करंट आई एन है। देखो यहाँ फेज डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं रहती, मतलब यहाँ अगर 110 की फेज डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ 130 डिग्री और यहाँ 120 डिग्री फॉर एग्जांपल मैंने लिया, तो फेज डिस्प्लेसमेंट तीनों फेजेस में सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, और उसकी वजह से सफिशियंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम। सो दिस इज थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम। तो थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम के लिए हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि वेक्टर आई आर इज नॉट इक्वल टू वेक्टर आई वाई, विच इज नॉट इक्वल टू वेक्टर आई बी, एंड न्यूट्रल करंट आई एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हो गया थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम के लिए। अभी ये अनबैलेंस सिस्टम की वजह से फॉल्ट होते हैं, जो भी फॉल्ट है वो अनबैलेंसिंग की वजह से आते हैं, ठीक है। सो अनबैलेंस अगर कोई क्रिएट होता है तो वो फॉल्ट की वजह से क्रिएट होता है, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। सो अनबैलेंस जो क्रिएट होता है उसके भी दो टाइप से, एक होता है इंटरनल अनबैलेंस और सेकंड होता है एक्सटर्नल अनबैलेंस। तो इंटरनल अनबैलेंस जो है और एक्सटर्नल अनबैलेंस जो है, तो दोनों जो अनबैलेंस है, अनबैलेंसिंग हो रही है, तो न्यूट्रल करंट वहाँ कितना फ्लो होगा उसके हिसाब से ये दोनों क्लासिफाई हुए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अनबैलेंस, ठीक है। तो दोनों टाइप्स में अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो टाइप्स ऑफ अनबैलेंस, फर्स्ट इंटरनल अनबैलेंस एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल अनबैलेंस। तो इंटरनल अनबैलेंस क्या है? इंटरनल अनबैलेंस इज अ टाइप ऑफ अनबैलेंस इन विच करंट फ्लोइंग थ्रू द न्यूट्रल दैट इज आई एन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ रेटेड करंट। मतलब इंटरनल अनबैलेंस में न्यूट्रल करंट कितना जाता है सिस्टम में, न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम से 10% ऑफ रेटेड करंट। तो ये हुआ इंटरनल अनबैलेंस। और एक्सटर्नल अनबैलेंस क्या है? एक्सटर्नल अनबैलेंस इज अ टाइप ऑफ अनबैलेंस इन विच करंट फ्लोइंग थ्रू द न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 10% ऑफ रेटेड करंट। मतलब जो भी हमारा रेटेड करंट है उससे उसका 10% ऑफ रेटेड करंट न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम से जब गुजरेगा तो वो होगा एक्सटर्नल अनबैलेंस। और इंटरनल अनबैलेंस इज अ टाइप ऑफ अनबैलेंस इन विच न्यूट्रल करंट आई एन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ रेटेड करंट। तो इंटरनल अनबैलेंस में कम करंट जाता है न्यूट्रल का और एक्सटर्नल अनबैलेंस में ज़्यादा जाता है, इतना तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो इंटरनल अनबैलेंस क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑकरिंग द इंटरनल अनबैलेंस? तो देखो अगर हमारे पास मतलब थ्री लोड से आर वाई बी, थ्री लोड से थ्री फेज सिस्टम है आर वाई बी, और सिंगल फेज मतलब आर फेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वाई फेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और बी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, और न्यूट्रल है एन। सो कई लोगों को आर फेज मिल रहा है आर विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, कई लोग यूज कर रहे हैं वाई फेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, और कुछ लोग यूज कर रहे हैं बी फेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। तो देखो अगर आर फेज में लोड ज़्यादा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वाई और बी, ऐसा अगर हमने कहा आर फेज में लोड ज़्यादा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वाई और बी फेज, तो क्या हो जाएगा? अनबैलेंसिंग क्रिएट होगी। और ऐसी अनबैलेंसिंग जब क्रिएट होगी मतलब ड्यू टू सिंगल फेज जो लोड्स रहते हैं, सिंगल फेज लोड्स मतलब सिंगल फेज लोड इन दिस थ्री फेज सिस्टम, तो ड्यू टू दिस अनबैलेंसिंग क्रिएट होती है। और सच ए टाइप ऑफ अनबैलेंसिंग जब क्रिएट होती है सो लोड वोल्टेज एट लोड पॉइंट इक्वल रहता है क्या? एट दैट टाइम नहीं रहता। लोड पॉइंट में जो लोड वोल्टेज है वो एट दैट टाइम अनइक्वल हो जाता है, और ड्यू टू विच अनबैलेंसिंग क्रिएट होती है। और वो अनबैलेंसिंग क्रिएट होने की वजह से सफिशियंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रल करंट सिस्टम न्यूट्रल से गुजरता है तो वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ रेटेड करंट रहता है। सो इतना डिजायर्ड है, मतलब इंटरनल अनबैलेंस जब क्रिएट होता है तब सिस्टम पर ज़्यादा उसका असर नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल अनबैलेंस जब रहता है सिस्टम में, एक्सटर्नल अनबैलेंस आता है तब उसका असर सिस्टम में दिखाई देता है, ठीक है। तो इंटरनल अनबैलेंस की एनालिसिस अगर हम करेंगे, एनालिसिस ऑफ इंटरनल अनबैलेंस, तो वो हम कैसे करेंगे? इंटरनल अनबैलेंसिंग जो अगर हमें एनालाइज करना है तो सिंपली सिंगल लाइन डायग्राम जो होगी, सिंगल लाइन डायग्राम, तो सिंगल लाइन डायग्राम को हमें रिएक्टेंस डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो सिंगल लाइन डायग्राम को जब रिएक्टेंस डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे हम, तब एनालिसिस होगा इंटरनल अनबैलेंस का। लेकिन एक्सटर्नल अनबैलेंस क्यों क्रिएट होता है ये पहले मैं बताता हूँ और बाद में बताता हूँ इसका एनालिसिस। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस 10% ऑफ रेटेड करंट न्यूट्रल न्यूट्रल करंट में, मतलब न्यूट्रल में से 10% ऑफ रेटेड करंट जब फ्लो होता है, 10% ऑफ रेटेड करंट और उससे ज़्यादा जब फ्लो होता है तब एक्सटर्नल अनबैलेंस क्रिएट होता है। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस क्यों क्रिएट होता है? ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट। अगर कोई फॉल्ट ऑकर होता है, मतलब सिंगल लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड या तो फिर थ्री फेस फॉल्ट, कोई भी फॉल्ट अगर ऑकर होता है सिस्टम में, तो न्यूट्रल करंट, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल करंट फ्लो होने लगता है, तो एक्सटर्नल अनबैलेंसिंग क्रिएट होती है ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट। और फॉल्ट ऑकर होने की वजह से लोड वोल्टेज एट लोड पॉइंट सीवियरली वहाँ अनबैलेंसिंग होती है, सीवियर अनबैलेंसिंग विल टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट। तो ये रीज़न ऑफ ऑकरिंग दिस एक्सटर्नल अनबैलेंसिंग है। और इसका एनालिसिस अगर हम यहाँ किया जाए, एक्सटर्नल अनबैलेंसिंग जो है उसका एनालिसिस अगर हमें करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क इक्वेशन जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमें टाइप ऑफ फॉल्ट आइडेंटिफाई करने के लिए थ्री नेटवर्क इक्वेशंस जनरेट करने पड़ेंगे। थ्री नेटवर्क इक्वेशंस, थ्री फेस सिस्टम के थ्री नेटवर्क इक्वेशंस हम जनरेट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे सर्किट एंड नेटवर्क्स में जो हमारे थेरम्स है उसके हिसाब से, या तो फिर मतलब नेटवर्क में जो भी मेथड से, नेटवर्क नेटवर्क करंट निकालने के लिए सिस्टम करंट्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस नेटवर्क थ्योरी आपको ये थ्री नेटवर्क इक्वेशंस सॉल्व करने पड़ेंगे। बट टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट मेथड इज सो लार्ज, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये नेटवर्क इक्वेशंस के हिसाब से। अगर आप ये नेटवर्क इक्वेशंस सॉल्व करने वाले हैं तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसके लिए, ये अगर डिफिकल्ट मेथड है, तो इसके लिए इजी मेथड क्या है? इजी मेथड है कि ये जो अनबैलेंसिंग है, मतलब जो अनबैलेंस सिस्टम है, उसे हम बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते बाय सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की मदद से किसी भी अनबैलेंस सिस्टम को हम बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते, तो ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स इसके लिए लगते। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स? तो यही नीड है सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की। और सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते? पॉजिटिव सिक्वेंस कंपोनेंट, निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ये थ्री सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की मदद से किसी भी अनबैलेंस सिस्टम को बैलेंस सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब नेटवर्क इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लगने वाला जो टाइम है वो रिड्यूस होगा बाय दिस थ्री सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। तो ये थ्री सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सिक्वेंस कंपोनेंट्स क्या क्या है, एक्चुअली वो क्या है, वो हम अगले वाले वीडियो में देखने वाले। ठीक है, तो आज जो भी मैंने लिया वो अच्छे से नोट करो कि बैलेंस सिस्टम क्या है, अनबैलेंस सिस्टम क्या है, इंटरनल अनबैलेंस क्या है कि 10% ऑफ रेटेड करंट से कम करंट न्यूट्रल में से गुजरता है, और एक्सटर्नल अनबैलेंस है कि 10% ऑफ रेटेड करंट से ज़्यादा करंट न्यूट्रल में से गुजरता है ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट। ये होता है एक्सटर्नल अनबैलेंस। यहाँ सिर्फ सिंगल फेज जो लोडिंग होती है वो अनइक्वल होती है, इसके लिए इसीलिए इंटरनल अनबैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की नेसेसिटी क्या है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बताई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आगे हम बढ़ेंगे पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क क्या होते, तो वो अगले वाले एपिसोड में हम देखने वाले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ आपकी तरफ आती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में।